हेलो मित्रों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं छत पे अपने हूँ, अपने घर की छत पर हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यह तुलसी का पौधा है। और यही नहीं, इस साथ साथ मैंने बहुत सारे पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये तुलसी का पौधा। छोटे पौधे जो देखते हैं तो लगे हुए हैं। जिस प्रकार ये पौधे स्थिर रहकर, एक जगह रहकर हमको सदैव के लिए फल फूल प्रदान करते हैं, हम उनका उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान अगर चाहे तो अपने दिमाग, अपने मस्तिष्क में हो रहे उथल पुथल को स्थिर करके और एकमात्र लक्ष्य बनाकर और अगर चलें तो सफलता तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ साथ वह अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले संसार को वह यह बतला सकेगा कि स्थिर रहने का क्या फल मिलता है और वह क्या दे सकता है उस आने वाले कल को। तो पेड़ों से हमें तो भरपूर सीखने को ही मिलता है, क्योंकि यह निस्वार्थ भाव से एक जगह खड़ा होकर और हमें सदैव के लिए फल फूल देते रहते हैं। और हमें क्या करना होता है, खाली इन्हें सींचना पड़ता है, हमें इन्हें देखना पड़ता है कि इनको कोई कमी ना हो पानी का, कोई इनको आहार का, इनको वातावरण का। तो इस प्रकार से पेड़ लगाने चाहिए और सभी को सीखने भी चाहिए इनसे और अपने ज़िंदगी के बारे में इनसे सीखनी चाहिए कि हम जिस प्रकार का वृक्ष लगाएंगे हमें उस प्रकार का फल मिलेगा। और हमें स्थिर रहना पड़ेगा, हमारे दिलो दिमाग को स्थिर करके हमें अच्छे काम करने चाहिए। तो हमें और क्या इसके बारे में मैं कह सकता हूँ, बहुत सारी व्याख्या हैं, करना चाहूँ तो कम पड़ेगा। लक्ष्य एक बनाइए और इन पौधों की तरह और सिर्फ दूसरों को आप कुछ न कुछ देते रहिए। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिएगा। तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए, जय श्री राम।